Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history. एक अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने बच्चों कर दिया जाए, जीएम 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस 2024 एग्जाम बाय द इंडिया टॉप एजुकेटर्स। चलिए बच्चों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग को ये बता दिया जाए, लास्ट के सेशन में हम लोगों ने कमलिन अवार्ड एंड पूना पैक्ट से जुड़ी हुई बातों को कवर किया था, एंड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज के सेशन में हम लोग जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी इन्हीं पॉइंट्स से जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड उम्मीद करते हैं जिस पढ़ने के बाद आप सभी लोग जो है सभी क्वेश्चंस के सही आंसर जरूर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। मई 1934 की जब हम बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फाइन, मई 1934 की जब हम बात करते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है पटना में मिलती है टू सेट अप अ पार्लियामेंट्री बोर्ड टू फाइट इलेक्शंस अंडर द एजिस ऑफ द कांग्रेस इटसेल्फ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि मई 1934 में जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जब पटना में मिलती है तो उसका पर्पस क्या रहता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को बच्चों सेटअप करना जो इसका पर्पस रहता है, ताकि जो इलेक्शन को फाइट कर सके। However, some of the members of All India Congress Committee held separate meetings and founded All India Congress Socialist Party. तो आप देख सकते हैं कि यही जो कांग्रेस की जो मेंबर्स थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मेंबर्स थे, उनमें से कुछ मेंबर्स जो हैं अपनी एक सेपरेट मीटिंग रखते हैं और वहां पे जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्थापना करते हैं। सॉरी, वहां पे जो है बच्चों ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है, एंड दिस पार्टी गॉट ऑफिशियल एफिलियेशन and during October November 1934 the policies and the working method were to be decided in a meeting that was to be held in Bombay. तो आप देख सकते हैं बच्चों ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 1934 में होती है। जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की हम बात करते हैं, जब वॉज द कोआर्डिनेटर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो है कोऑर्डिनेटर कौन थे। तो बच्चों जेपी नारायण या फिर जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण जी थे बच्चों। ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी एंड आचार्य नरेंद्र देव वॉज द प्रेसिडेंट। तो आपसे एक चीज पूछेगा कि उस समय जो है इसके प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना, इसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो आचार्य नरेंद्र देव जी थे, और इसके कोऑर्डिनेटर कौन थे बच्चों, जेपी नारायण जी, और जिन्हें हम जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आचार्य नरेंद्र देव, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा आचार्य नरेंद्र देव वॉज द प्रेसिडेंट। पार्टी वॉज फाउंडेड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ यूथ टूवर्ड्स द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इस मेंबर्स अब देख सकते हैं आप कि ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसके मेंबर्स कौन कौन थे, अशोक मेहता, देन अच्युत पटवर्धन, उसके बाद बच्चों मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, देन पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, देन गंगा शरण सिंह एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये सभी नाम बच्चों आप लोग को याद रखने बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि जस्ट वेट, यहाँ से आप लोगों से पूछ लेगा कि कौन कौन से नाम जो है इससे जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया जी, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिन्हा एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय एक्सेट्रा, ये सभी के सभी जो मेंबर्स थे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हम लोगों ने देखी, जिसके हुआ था पटना में 1934 में होता है, इसके कोऑर्डिनेटर रहते हैं जेपी नारायण जी, इसके प्रेसिडेंट रहते हैं आचार्य नरेंद्र देव जी। वहीं जब हम बिहार सोशलिस्ट पार्टी की हम बात करते हैं बच्चों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो इसके फाउंडर कौन रहे, इट वॉज फाउंडेड बाई गंगा शरण सिन्हा। तो आप देख सकते हैं गंगा शरण सिन्हा जो की ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना के भी मेंबर रहे थे, तो ये जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के भी फाउंडर, आप कह सकते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो फाउंडर ही रहे थे वो कौन थे, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी एंड रामानंद मिश्रा। श्री नरसिंह नारायण वॉज अ सोशलिस्ट एंड वॉज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जेपी नारायण से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई है यहाँ पे।
जेपी नारायण बिलोंग टू द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। एक रिक्वेस्ट करना मैं आप लोगों से भूल गई कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोटेड डाउन करते चले, बिकॉज इन्हीं सभी पॉइंट्स, जितनी बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फाइन, लेट्स स्टार्ट। जेपी नारायण जी की जब हम बात करते हैं तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी जो है जुड़े हुए थे जेपी नारायण जी। जेपी नारायण को हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। तो वेरियस टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ, जब हम पढ़ेंगे निक नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, तो यहाँ पे जो है वहां पे ये चीज हमें देखने को मिलेगा कि किसे हम लोक नायक के नाम से जानते हैं। तो जेपी नारायण जी को हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। सीक्रेटली ऑर्गेनाइज इंडियन मासेस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट आने वाले टाइम में हम 1942 का जब पीरियड आएगा वहां पे हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जब गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था, उस समय जेपी नारायण जी ने जो है सीक्रेटली जो है इंडिया ऑर्गेनाइज किया था इंडियन मासेस को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में विद द हेल्प ऑफ किन, किसकी मदद से आके जेपी नारायण जी ने जो है इंडियन मासेस को ऑर्गेनाइज किया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एंड अरुणा अशरफ अली। अरुणा अशरफ अली बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। ऑन 5th of June 1974, देखिए अब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऑन 5th of June 1974 ही कॉल्ड फॉर द कंप्लीट रिवॉल्यूशन फ्रॉम गांधी मैदान। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्थमसली 1999। हिज रिलीज डे वॉज सेलिब्रेटेड एज जयप्रकाश डे। अप्रैल 1946 की जब हम बात करते हैं, सेवन रैलीज वर ऑर्गेनाइज एट पटना वेयर गवर्नमेंट वॉज ओपनली क्रिटिसाइज फॉर द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड देयर इमीडिएट रिलीज वॉज रिमांडेड। तो आप देख सकते हैं अप्रैल 1946 की हम बात करते हैं, पटना में बहुत सारे रैलीज को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें जो है गवर्नमेंट का जो एक्चुअली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए जो है इन रैलीज को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वहां पे अरेस्ट किया गया था, उन पॉलिटिकल लीडर्स के जो इमीडिएट रिलीज के लिए जो है इन रैलीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 20th of May 1936 21 industrialists ऑफ द बॉम्बे साइंड बॉम्बे मैनिफेस्टो। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि बॉम्बे मैनिफेस्टो जो है कितनी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जो है साइन किया जाता है, तो 20 मई 1936 ये डेट ही जरूर याद रखिएगा। 20th of May 1936 21 industrialists ऑफ द बॉम्बे साइन करते हैं बॉम्बे मैनिफेस्टो। ये जो मैनिफेस्टो था वॉज अगेंस्ट द रेंडरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिस्ट एज कन्वेड बाय नेहरू इन द लखनऊ सेशन। तो होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार रिकॉल करा देते हैं फटाफट चीजों को, ध्यान रखिएगा जेपी नारायण, अचित आचार्य नरेंद्र देव जी, ये लोग जो है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना यहाँ से जुड़े हुए थे। एंड जो अदर मेंबर्स थे इस ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, अशोक मेहता, अजित पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिन्हा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की हम बात करते हैं, ये फाउंड किया गया था गंगा शरण सिन्हा के द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा एंड रामानंद मिश्रा जी के द्वारा। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज हेल्ड। देखिए क्या कह रहा कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की गई थी इसका पहला मीटिंग कहाँ हुआ था? तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले जिस्ट बता दी थी ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर पे आए ना तो आप लोगों के माइंड जो आप लोग का ब्लैंक नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें पता ही नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे साथ साथ जिस्ट को भी कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि जैसे ही क्वेश्चन है आप लोग के सामने आप लोग के माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ मैम ने तो अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को हमें पढ़ाया था। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे सामने, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन। पहला मीटिंग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बच्चों कहां होता है? दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। तो अभी हम लोगों ने जस्ट क्या पढ़ा बच्चों, पटना में जो है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है मीटिंग होता है मई 1934 में। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश 1934 इन पटना ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द कांग्रेस कमिटी। अक्टूबर नवंबर 1934 की बात करते हैं, पॉलिसीज एंड सिस्टम्स ऑफ कांग्रेस पार्टी वर डिसाइडेड इन बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा था, फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज हेल्ड इन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों की जो पहली मीटिंग होती कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की मई 1934 में होती है, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स।
ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों कि प्लीज जितने भी प्रीवियस सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं सभी सेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, सो दैट इससे जुड़े ही मींस PYQ से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चंस आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। एंड आप लोग मेरे वीडियोज को आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल रहा है इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए हम आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विद रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ, कह रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला लिखा इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। क्या ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, टैक्स नहीं पे करना इसके बारे में बात कर, नहीं तो ये गलत है बच्चों। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इट वॉन्टेड टू स्टैब्लिश अ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, तो नहीं बच्चों ये भी गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इट एडवोकेटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस क्लासेस। क्या अभी हम लोगों ने जो जिस्ट पढ़ा था बच्चों ये सब कोई पॉइंट हम लोगों ने वहां पे देखा नहीं, ऐसे किसी भी पॉइंट के बारे में जो है ऐसे किसी भी बातों के बारे में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा डिस्कशन नहीं किया गया था। मींस थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट है, आप देख कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग, मींस इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यूपीएससी 2015 का ये क्वेश्चन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में होती है एज अ सोशलिस्ट कॉकस विद इन द INC। इट्स मेंबर्स रिजेक्टेड दैट व्हाट दे सॉ एज द एंटी रेशनल मिस्टिकल ऑफ गांधी एज वेल एज द सेक्टेरियन एटीट्यूड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द कांग्रेस पार्टी इन्फ्लुएंस्ड बाय फेमिनिज्म। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की हम बात करते हैं ये भी पूछ सकता है कि किससे इन्फ्लुएंस है, फेमिनिज्म से एज वेल एज मार्क्सिज्म, तो मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म से इन्फ्लुएंस है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एडवोकेटेड आर्म्ड स्ट्रगल एज वेल एज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जब हम बात करते तो बच्चों आर्म्ड स्ट्रगल को ये जो है फेवर कर रहे थे, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को भी फेवर कर रहे थे। CSP यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एडवोकेट डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म। देखिए इसका मतलब है जी पावर का जो है आप कह सकते हैं केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, पावर सब में जो है बटी होनी चाहिए। सोशलिज्म इन विच कॉपरेशन ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट फार्मर्स एंड लोकल अथॉरिटीज वुड हैव अ सब्सटेंशियल शेयर ऑफ इकोनॉमिक पावर एज सेक्युलरिस्ट दे होप टू टू ट्रांसेंड कम्युनल डिविजन थ्रू द क्लास सॉलिडरिटी। तो हम देख सकते हैं इसमें से कोई सा भी जो पॉइंट ऊपर 3 पॉइंट्स में जो है मेंशन नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ नेम हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे जहां पे लिखा हुआ था कौन कौन से जो है लीडर्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं पहले आप लोगों को रिकॉल कराऊंगी वो कौन कौन से मेंबर्स थे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। देखिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि आचार्य नरेंद्र देव, JP नारायण जी के बारे में पढ़ा था, अशोक मेहता, अजीत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराली, गंगा शरण सिन्हा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी लोग जो है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना से जुड़े हुए थे। अब देखिए MN राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम थन्नू पिल्लई, आचार्य नरेंद्र देव, इन चारों नामों में से आपको साफ साफ दिख रहा है डी ऑप्शन जो आचार्य नरेंद्र देव जो कि प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, तो ये जो है प्रोमिनेंट लीडर रहे थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म बाई आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी इन October 1934। ठीक है क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों क्या लिखा है। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1934 बाई हुम। तो हम लोगों ने क्या देखा था JP नारायण जी एंड आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में की जाती है। आचार्य नरेंद्र देव जी बच्चों इसके प्रेसिडेंट रहते हैं और JP नारायण जी जो है कोऑर्डिनेटर रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हु वॉज द कन्वेनर ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एट पटना 1934। तो देखिए कन्वेनर या कहिए या फिर जो है कोऑर्डिनेटर कहिए JP नारायण जी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की हम बात करें, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द कन्वीनर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 एट पटना वॉज जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव की जब हम बात करते हैं बच्चों तो ये जो है प्रेसिडेंट रहते हैं एंड अशोक मेहता सेक्टर वर फाउंडर मेंबर्स। JP नारायण वॉज अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी एंड आचार्य नरेंद्र देव सर्वड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी प्रोमोटेड डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। अगेन आप देख सकते हैं वेरियस टाइम एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहिए या फिर जो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहिए।
इसकी स्थापना मई 1934 में किनके द्वारा की जाती है? अब आप लोग को याद भी हो गया होगा, कहीं से भी कोई आपसे अगर ये रैंडमली उठा के क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप लोग फटाक से जवाब देंगे कि जेपी नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव जी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। जय प्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी एंड आचार्य नरेंद्र देव एक्सेट्रा फॉर्म कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन द ईयर 1934 विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जय प्रकाश नारायण वॉज एसोसिएटेड विद द पार्टी। अब देखिए क्या लिखा है, जय प्रकाश नारायण किससे जुड़े हुए थे? आप सभी लोग को पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जो है जय प्रकाश नारायण जी जुड़े हुए थे। एक चीज आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है इससे जुड़े हुए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बीपीएससी में आया हुआ। क्यों बीपीएससी आया? क्योंकि पटना में एक्चुअली इसको स्थापित किया गया था, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में भी पढ़ा था। सिंस पटना में इसको स्थापित किया गया था, पटना में ही एक्चुअली इसकी फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, इसीलिए जो है बार बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी बच्चे बीपीएससी का पेपर देने जाएंगे इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रही थी, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है जेपी नारायण यानी कि जय प्रकाश नारायण जी के द्वारा की जाती है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। फूलन प्रसाद वर्मा, ये ऑप्शन हमारा सही है। फूलन प्रसाद वर्मा फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। जस्ट वेट, चलिए फूलन प्रसाद वर्मा की हम बात करते हैं, इनके द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की जाती है। ना मीटिंग हेल्ड एट हिज होम, द सोशलिस्ट पार्टी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजीज ऑफ द मार्क्स एंड लेनिन। एंड ऑल्सो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था फेमिनिज्म एंड मार्क्सिज्म को जो है सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा फॉलो किया जा रहा था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म फ्रॉम द विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जेपी नारायण एंड गंगा सरन सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा एक्सेट्रा वॉज एसोसिएटेड विद द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। Who formed the बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में। अब एक और चीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी लोग जो है जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सो दैट जितने भी कमिंग क्वेश्चन हैं एक्चुअली प्रीवियस वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही हिडन है। तो अभी आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ही हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, क्वेश्चन नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो है इसको फॉर्म किया था फूलन प्रसाद वर्मा जी ने 1931 में। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सीधा सीधा आ गया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, तो फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम, अब देखिए लोकनायक वाला पूछा हुआ है। अब तो ये आप लोग को याद हो गया होगा बच्चों, पता भी होगा, यहाँ आप लोग को ऑप्शन भी नहीं देखने की जरूरत है कि लोकनायक किन्हीं हम कहते हैं। जय प्रकाश नारायण जी को हम लोकनायक भी कहते हैं। आंसर सी हमारा जो है सही है, जय प्रकाश नारायण इज फेमस नोन एज फेमस एज लोकनायक। ही सीक्रेटली ऑर्गेनाइज इंडियन पब्लिक ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट विद राम मनोहर लोहिया एंड अरुणा आशरा फाली इन 1942। ही डिक्लेयर्ड संपूर्ण क्रांति। आप देख सकते हैं कि जय प्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति की जो इसको डिक्लेयर किया गया था गांधी मैदान पटना में ऑन 5th of June 1974, और भारत रत्न इनको जो है पोस्टमेसली जो है इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। विच टाइटल वॉज गिवन टू द जय प्रकाश नारायण की, आप लोग को बार बार बताने की जरूरत है कि जय प्रकाश नारायण जी को कौन से टाइटल दी गई थी। लोकनायक की टाइटल जो है उपाधि जय प्रकाश नारायण जी को दी जाती है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। आप लोग को पता है बी वाला ऑप्शन, बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं यहाँ पे दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं। बाय विच नेम इज जय प्रकाश नारायण नोन, तो आप लोग को पता है लोकनायक की बात हम कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। जय प्रकाश दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन, तो जय प्रकाश दिवस बच्चों कब सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल 1946, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा डेट है, मे बी आप कंफ्यूज हो जाए। तो अप्रैल 1946 की हम बात करते हैं। जय प्रकाश डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द रिलीज ऑफ जय प्रकाश फ्रॉम प्रिजन। तो आप देख सकते हैं कि जब जय प्रकाश नारायण जी को जेल से रिहा किया जाता है तो उस समय जो है अप्रैल 1946 में जो है जय प्रकाश डे मनाया जाता है, यानी कि जय प्रकाश दिवस मनाया गया था। रैली वॉज कंडक्टेड इन बंकीपुर मैदान ऑफ पटना वेयर द रिलीज ऑफ जय प्रकाश नारायण वॉज रिमांडेड एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी
रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पर्सन वॉज मेड। तो होप सो क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो जब भी आप इस सेशन को इन सेशन को सुनिएगा, जब भी आप इन सेशंस को सुनिएगा, प्लीज आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि क्या चीज आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। श्री नरसिंह नारायण कौन थे बच्चों? सोशलिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, ही वॉज अ सोशलिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो बच्चों, तो बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या 1936 में साइन हुआ था? तो हाँ बच्चों, इसको 1936 में साइन किया गया था 21 बिजनेसमैन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 21 बिजनेसमैन के द्वारा इस बॉम्बे मैनिफेस्टो को साइन किया गया था। ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आइडियाज। देन पॉइंट टू देखते हैं, इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा है। बॉम्बे मैनिफेस्टो वॉज डील दैट वॉज साइंड इन द ईयर 1936 बाय 21 बिजनेसमैन। ठीक है, इट कंटेन एन ओपन इंडिकमेंट ऑफ द नेहरूज प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज ड्यूरिंग द लखनऊ सेशन। इट वॉज लार्जली सपोर्टेड बाई द बिजनेस कम्युनिटी। आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो बॉम्बे मैनिफेस्टो था, इसको सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता? बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा बच्चों सपोर्ट किया जा रहा था। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आते हैं। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को, और जब भी हम नए टॉपिक को डिस्कस करने जाते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन करते चले। जो भी चीजें आप लोग को लग रही हो कि कुछ नई बातें आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं, उन पॉइंट्स को जरूर आप लोग नोट करते हुए चलेगा, ताकि जो लास्ट समय में जो जब एग्जाम का टाइम है, उस समय इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है आप रिकॉल कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम देखते हैं। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। हु बिकेम द चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वॉन्टेड टू ओवरथ्रो, जस्ट वेट, हु बिकेम द चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वॉन्टेड टू ओवर थ्रो द ब्रिटिश रूल, प्रिंसलिस्ट लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933। तो बच्चों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की हम बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज एन एवोर्ड सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म। नेहरू वॉन्टेड टू ओवर थ्रो ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट्स, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म 1933। तो आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो जवाहरलाल नेहरू जो है सोशलिज्म के फेवर में थे, और ब्रिटिश रूल को, प्रिंसली स्टेट्स को, लैंडलॉर्डिज्म को, कैपिटलिज्म को, इन सभी को जो 1933 में जवाहरलाल नेहरू जी जो है खत्म करना चाहते थे। नेशनल नेहरू सोशलिज्म वॉज इन्फ्लुएंस फ्रॉम सोशलिज्म ऑफ सोवियत यूनियन। ही ट्रेवल्ड द सोवियत यूनियन इन नवम्बर 1927। तो उम्मीद करते हैं बच्चों काफी सारी चीजें आप लोग क्लियर हो गई हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट 1937। अप्रोक्सीमेट बच्चों हम लोगों ने 70-80% जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री की कवर अप कर लिए हैं। कुछ चीजें रह गई थोड़े दिनों में जो है वो भी हम कवर अप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ जगह के नाम होंगे, मीन्स आप कह सकते हैं कुछ प्रोविंसेस के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ नंबर ऑफ सीट्स को आपको याद रखने पड़ेंगे कि हाँ कहाँ पे जो है कितनी सीट्स पे जो है कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, और ईयर याद रखना पड़ेगा कि किस ईयर में जो है इलेक्शन हुआ था, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपको कि किस जगह, कौन से प्रोविंस में जो है कांग्रेस को जो है जीत हासिल नहीं हुई थी। चलिए हम देखते हैं अपने पॉइंट्स को, स्टार्टिंग में जो है हम पहले जस्ट पढ़ेंगे, सो दैट जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए इन पॉइंट्स जुड़े हुए आपके, आप सभी क्वेश्चन का सही जवाब दे सके। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ऑन द बेसिस ऑफ द, देखिए अब ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फरवरी 1937 में जो इलेक्शन होता है इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन विच कांग्रेस बाय डिफीटिंग इट्स अपोनेंट सेक्यूट मेजोरिटी इन द 5 प्रोविंसेस। तो देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के आधार पे फरवरी 1937 में जो है बच्चों प्रोविंशियल आप कैसे इलेक्शंस हेल्ड होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, जहां पे जो है गवर्नमेंट कांग्रेस जो है मेजोरिटी ऑफ द सीट्स को जो है 5 प्रोविंसेस की हम बात करें, वो 5 प्रोविंसेस कौन कौन से अभी हम देखेंगे, और 5 प्रोविंसेस में जो है मेजोरिटी ऑफ सीट्स को जो है गेन करने में जो है सक्सेसफुल हो जाती है। चलिए हम देखते हैं मद्रास, मद्रास में बच्चों
215 सीटों में से 159 सीट्स बच्चों देखिए देख सकते हैं कांग्रेस को मिला था। वहीं जब हम बिहार की बात करते हैं 152 में से जो है 98 सीट्स जो है बिहार में मिले थे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार की हम बात करते हैं तो 112 सीटों में से जो 70 सीट्स जो है कांग्रेस को मिलते थे। यूनाइटेड प्रोविंस की बात करते हैं जिसे प्रेजेंट में हम उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस में जो है 228 में से 134 सीट्स बच्चों यूपी कांग्रेस को मिली थी। ओडिशा की जब हम बात करते हैं तो वहां पे 60 सीटों में से 36 सीट जो है कांग्रेस को मिली थी। तो एक बार नंबर ऑफ सीट्स आप रिकॉल कर लीजिए या फिर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मद्रास की हम बात करें तो मद्रास में 215 में से 98 सीट्स जो है कांग्रेस को मिलती है। देन सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार की हम बात करते हैं 112 में से 70 सीट मिलता है। यूनाइटेड प्रोविंस की हम बात करते हैं 228 में से 134 सीट्स मिलती हैं। देन ओडिशा की हम बात करते हैं 60 में से 36 सीट बच्चों कांग्रेस को मिलती है। बिहार का हम लोगों ने देखा था 152 में से जो है 98 सीट्स मिलती हैं। कांग्रेस एनलार्ज्ड इमर्ज्ड एज अ स्टेट। कांग्रेस इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बॉम्बे। तो देखिए बच्चों जब हम बॉम्बे की बात करते हैं वहां पे कांग्रेस जो है ये सभी चीजें आप याद करते चलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि कहाँ पे जो है कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के सामने आती है। तो कांग्रेस जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जो है उभर के सामने कहाँ आती है, बॉम्बे में, जहाँ पे 175 में से 86 सीटें जो है कांग्रेस को मिलती हैं। जब असम और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की हम बात कर देखिए असम में हम ये कह सकते हैं सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, बॉम्बे का देखिए हम लोगों ने बात किया कि 86 सीटें जो 175 में से कांग्रेस को मिलती है। वहीं जो है असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की हम बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और असम में और बॉम्बे में इन तीनों जगह बच्चों जो कांग्रेस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के सामने आती है। ओनली इन, अब देखिए कहाँ कहाँ जो है इनफ सपोर्ट जो है मास का कांग्रेस को नहीं मिल पाया था तो वो था बच्चों बंगाल, पंजाब एंड सिंध। कांग्रेस डिड नॉट सिक्योर इनफ सपोर्ट फ्रॉम मासेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन। तो आप देख सकते हैं ये ध्यान रखिएगा बॉम्बे सॉरी बंगाल, पंजाब एंड सिंध यहाँ पे जो है कांग्रेस को जो है कांग्रेस इतना सीट नहीं गेन कर पाई थी, आप कह सकते हैं सपोर्ट नहीं मिल पाया था मास का कि गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। कैबिनेट फॉर्म बाय कांग्रेस ऑफ 1937 इलेक्शन ओनली लास्टेड फॉर 28 मंथ्स। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सरकार कांग्रेस के द्वारा 1937 के इलेक्शन में बनाई जाती है कितने दिनों तक वो टिकी रहती है, तो 28 मंथ तक बच्चों जो है ये सरकार रहती है। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने जो है फॉर्म किया कैबिनेट एट 6 प्रोविंसेस। अभी हम लोगों ने देखा बच्चों मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस। देखिए अभी हम लोग ने ऊपर यहाँ पे मद्रास, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, ओडिशा की हम लोगों ने बात की थी। तो देख सकते हैं आप मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, जहां तक रही बॉम्बे की बात तो बॉम्बे में भी कैबिनेट फॉर्म करने में इससे सक्सेसफुल हो पाई थी क्योंकि यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के सामने आई थी। 86 आउट ऑफ 175 सीट जो है जीता था कांग्रेस ने। विद द सपोर्ट ऑफ अदर कांग्रेस फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट इन असम। और असम और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है बच्चों अदर पार्टीज के सपोर्ट के साथ जो है सरकार बनाने में, कोलिशन गवर्नमेंट जो है बनाने में कांग्रेस सक्सेसफुल हुई थी। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द परमिशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट लेड द रेजिग्नेशन टू ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ आवर कांग्रेस कैबिनेट। देखिए तो ये 28 मंथ वाली हम बात कर रहे थे ना, एक्चुअली सिंस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है इंडियंस को इन्वॉल्व कर लिया जाता है विदाउट बिना हमसे पूछे हुए जो है हमें वार में घसीट लिया जाता है, इसी इन्हीं कारण से जो इसी के विरोध में जो है कांग्रेस कैबिनेट के द्वारा जो रेजिग्नेशन दे दिया जाता है। On 22 of October 1939, Congress cabinet of all provinces resigned as an act of the protest. तो किसके जो है विरोध में जो है असल में October 1939 में, 22nd of October 1939 में जो है कांग्रेस कैबिनेट के द्वारा जो रिजिग्नेशन दे दिया जाता है। और यही जो 22 अक्टूबर 1939
सॉरी, और आप उसके बाद देखने को मिलेगा कि 22 दिसंबर 1939 को जो है डे ऑफ डेलिवरेंस यानी कि मुक्ति दिवस के रूप में कह सकते हैं इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा जो है मनाया गया था। अब देखिए, कांग्रेस कैबिनेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस रिजाइंड एज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है, बीइंग हैप्पी विद कांग्रेस कैबिनेट्स डिजिग्नेशन जिन्ना कॉल्ड इंडियन मुस्लिम्स टू सेलिब्रेट 22 दिसंबर 1939 एज अ डे ऑफ डेलिवरेंस। अब देख सकते हैं कि जब कांग्रेस ने जो रेजिग्नेशन दे दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना जी कितनी खुश थे, उन्होंने भारतीय मुसलमानों से कहा कि अब जो है आप 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस यानी कि डे ऑफ डेलिवरेंस के रूप में मनाएंगे। अभी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां आपको देखने को मिलेगा, पूछा गया है कि मुक्ति दिवस यानी कि डे ऑफ डेलिवरेंस जो है कब मनाया गया था, तो 22 दिसंबर 1939 को किसके कहने पे मनाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना जी के कहने पे इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वर्किंग कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू एंड द लैंड ओनरशिप इन 1937 एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच कांग्रेस गवर्नमेंट इन यूपी एंड बिहार पास टेनेंसी बिल्स। कांग्रेस सिक्योर्ड 134 सीट्स आउट ऑफ 228 सीट्स यूनाइटेड प्रोविंस एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन। थोड़े से और पॉइंट्स रहेंगे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं पीओआईक्यूज पे। गोविंद वल्लभ पंत की हम बात करते हैं, गोविंद वल्लभ पंत वॉज अ चीफ मिनिस्टर वाइल कैलाश नाथ कटजू वॉज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज गिवन टू रफी अहमद की दवाई। तो यहाँ से वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस की जब हम बात कर रहे थे जहां पे जो है कांग्रेस सिक्योर करती है 134 सीट्स आउट ऑफ द 228 सीट्स वहां गवर्नमेंट वो बनाती है कांग्रेस, तो चीफ मिनिस्टर वहां पे यूपी यूनाइटेड प्रोविंस में कौन रहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी और कैलाश नाथ कटजू जी की हम बात करते हैं, तो कैलाश नाथ कटजू जी जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है रफी अहमद किदवई को दी जाती है। इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द मुस्लिम्स ग्रीवांसेस इन द फॉलोइंग। अब देखिए, अभी जो पीरपुर रिपोर्ट लिखा हुआ है, शरीफ रिपोर्ट लिखा हुआ है, फजलुल हक रिपोर्ट लिखा हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पे जो असल में जहाँ जिन जिन राज्यों में कांग्रेस के द्वारा रूल किया था, कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, तो वहां पे जो मुस्लिम ग्रीवांसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, मुस्लिम ग्रीवांसेस के लिए जो है कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की गई थी, वो सीक्वेंस में देखिए, सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट आती है 1938 में, 1939 में शरीफ रिपोर्ट आती है, फजलुल हक रिपोर्ट की हम बात करते हैं, मुस्लिम सफरिंग अंडर लॉर्ड कांग्रेस अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट 1939। ध्यान रखिएगा, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट एंड फजलुल हक रिपोर्ट, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इसको याद रखिएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस पे। अप्रोक्सीमेट बच्चों 17 क्वेश्चंस हैं इस प्रोविंशियल इलेक्शन फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट्स जुड़े हुए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ द कांग्रेस 1939 को। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड नॉट ऑब्टेंड अ फुल मेजोरिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस हेल्ड इन 1937। देखिए, हम लोगों ने देखा था सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, मद्रास, इन सभी जगह जो है मेजोरिटी मिली थी। पंजाब की हम बात करते हैं बच्चों, तो पंजाब में जो है मेजोरिटी नहीं मिली थी। पंजाब, बंगाल और सिंध की हम बात करते हैं, तो पंजाब, बंगाल और सिंध में जो है मेजोरिटी नहीं मिला था। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। अब एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्शन 1937 में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंडर ही होता है, जहाँ पे कांग्रेस को जो है 5 राज्यों में फुल मेजोरिटी मिली थी। वो कौन कौन से थे, मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस बिरार एंड यूनाइटेड मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार और यूनाइटेड प्रोविंस एंड ओडिशा। कांग्रेस मेड इट्स मिनिस्ट्रीज इन द 6 स्टेट्स। अब देखिए कहां कहां जो है इन्होंने जो है, बॉम्बे की जब हम बात करते हैं तो बॉम्बे में जो है सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी के रूप में उभरी थी, तो मद्रास में, सेंट्रल प्रोविंस में, बिहार में, बॉम्बे में, ओडिशा में, यूनाइटेड प्रोविंस में जो है इन जुलाई 1937 यहाँ पे जो कांग्रेस प्राइम मिनिस्ट्री फॉर्म करती है। ओनली इन बंगाल, पंजाब एंड सिंध कांग्रेस डिड नॉट सिक्योर एनफ सपोर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी मैंने आप लोगों से कहा था क्वेश्चन पूछिएगा, जो इलेक्शन होता है उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कैबिनेट का कैबिनेट फॉर्म किया था कांग्रेस के द्वारा, वो किस एक्ट के तहत जो है सारी चीजें होती, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बच्चों सारा काम हो रहा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स
कांग्रेस डिड नॉट वन एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज विच वर हेल्ड इन अक्टूबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो देखिए क्या कह रहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो है किस जगह जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है नहीं मिला था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा था। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था बंगाल पंजाब और सिंध की हम बात कर रहे थे, बंगाल पंजाब और सिंध में जो है नहीं मिला था। देखिए यहाँ पे बंगाल है, इसके साथ पंजाब प्लस सिंध तीनों जगह जो है नहीं हुआ था, मेजोरिटी नहीं मिली थी। देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बात करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड नॉट गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1937 वॉज। तो अब देखिए बच्चों जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हुआ आपके सामने बॉम्बे लिखा हुआ है, असम लिखा हुआ है, बिहार लिखा हुआ, उड़ीसा लिखा हुआ। तो आप लोगों को पता है उड़ीसा और बिहार में तो मिला था, बट बॉम्बे और असम की हम बात करते हैं, बॉम्बे में तो ठीक है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में ये उभरी थी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द असम, तो असम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में भी बच्चों ये आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी के रूप में नहीं उभरी थी। तो बॉम्बे और असम यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। इन 1937 इलेक्शन कांग्रेस सिक्योर्ड अ क्लियर मेजोरिटी इन द स्टेट नंबरिंग। तो देखिए क्या कह रहा है, 1937 का जो इलेक्शन होता है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 1937 का जो इलेक्शन होता है, कांग्रेस सिक्योर अ क्लियर मेजोरिटी इन द स्टेट नंबरिंग। तो 5 हम लोगों ने देखा था कि साफ साफ जो है 5 राज्यों में जो कांग्रेस के द्वारा जो है एब्सोल्यूट क्लियर मेजोरिटी जो मिली थी वो कहाँ का था बच्चों, मद्रास था, बिहार था, यूनाइटेड प्रोविंस था, देन ओडिशा था एंड सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार की हम बात करते, 5 जगह थे वो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज व हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1939। तो देखिए बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये आपके सभी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी इसको स्किप करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वॉज हेल्ड। तो देखिए क्या कह रहा है कि किस ईयर जो है जो लास्ट इलेक्शन हुआ था ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वॉज हेल्ड। तो बच्चों ये 1945 की हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वॉज पास इम्प्लीमेंटिंग मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को ही बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 भी कहते हैं। थ्रू दिस एक्ट इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एट द सेंटर वॉज रिप्लेस बाय बाइकैमरल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस डार्क इन प्रोविंसेस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो आप कह सकते हैं एक निगेटिव चीज भी था कि डार्की को जो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। द इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली अंडर दिस एक्ट वर हेल्ड इन द ईयर 1926 एंड 1945। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन जो एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में भी था, तो ए और बी सी हमारा सही है, 1926 और 1945। क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज और वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो 1926 का इलेक्शन 1945 का इलेक्शन दोनों ए और सी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया था जिसको हम स्किप कर रहे थे। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं बच्चों। यूपी आरओ ए आर ओ प्री 2016 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड आइडेंटिफाई दोज वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म अ मिनिस्ट्री 1937। अब देखिए कह रहा है कि इनमें से किस जगह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म की गई थी। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ा था, बंगाल पंजाब और सिंध की हम बात कर रहे थे, यानी कि देखिए बंगाल आपके सामने है, पंजाब है और सिंध भी रहता तो सिंध भी ऑप्शन में हो जाता। बंगाल पंजाब और सिंध में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है 1937 के इलेक्शन में मिनिस्ट्री को नहीं फॉर्म किया गया था, यानी कि 3 और 4 जिसमें ऑप्शन है वो हमारा सही है, डी वाला हमारा सॉरी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा है। इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन जो कि 1936 से
37 के बीच में होता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इलेक्शंस वर हेल्ड इन द 11 प्रोविंसेस, कहाँ कहाँ, मद्रास में, सेंट्रल प्रोविंस में, बिहार में, उड़ीसा में, बिहार में, उड़ीसा में, यूनाइटेड प्रोविंस में, बॉम्बे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, बंगाल एंड सिंध में जो है बच्चों, यहाँ पे जो है मेजोरिटी नहीं हासिल होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और आप कह सकते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है नहीं फॉर्म कर पाते इंडियन नेशनल कांग्रेस 1937 में। द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वर डिक्लेयर इन फेब 1937, इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज्ड एज अ पावर इन 8 प्रोविंसेस, 5 प्रोविंसेस में फुल मेजोरिटी एक्सेप्ट बंगाल, पंजाब एंड सिंध। कह रहे क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा सा नाम आप लोग को याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स भी कहीं कहीं याद रखने पड़ेंगे, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एंड एक और चीज में जो हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, पढ़ो ऐसे की पढ़ा सको और एग्जाम क्लियर कर सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शन 1937, तो क्या बताना बार बार जरूरी है, बंगाल, पंजाब और सिंध की हम बात करते हैं, बंगाल, पंजाब, सिंध में जो है नहीं फॉर्म कर पाई थी मिनिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ 1935, तो क्या लिखा हुआ था, देखिए क्या लिखा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बंगाल, पंजाब और सिंध, तो यहाँ पे जो है बंगाल पंजाब तो नहीं लिखा हुआ, सॉरी बंगाल और सिंध तो नहीं लिखा, पंजाब लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्मड इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937, तो बच्चों देखिए 6 प्रोविंसेस में जो है 1937 में कांग्रेस फॉर्मड इन द इट्स गवर्नमेंट इन 6 प्रोविंसेस, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, बिहार, मद्रास, लेटर कांग्रेस जो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और असम में, तो देखिए वैसे तो टोटल 8 हो गए, लेकिन अगर आप कह सकते हैं कोलिशन की अगर बात नहीं करेंगे तो 6 होगा, और कोलिशन को भी अगर इंक्लूड करेंगे तो 8 होगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं, चलिए एक्चुअली यहाँ पे आंसर होना चाहिए था हमारा 8 कोलिशन वाले को भी इंक्लूड किया, इसलिए जो है यूपीपीसीएस के द्वारा इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया गया है, इवेल्यूशन से हटा दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। टेन्योर ऑफ द कांग्रेस, अभी हम लोगों ने 28 महीना पढ़ा था बच्चों, टेन्योर ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्मड इन द इलेक्शन 1937 आफ्टर द एक्ट 1935, अब देखिए 28 महीने आखिर में सिर्फ 28 महीने ही क्यों जो है ये गवर्नमेंट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी रहती है। एक्चुअली जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियंस को जो है आप कह सकते हैं घसी किया जाता है, तो इस कारण जो है इसी के प्रोटेस्ट में कांग्रेस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है रेजिग्नेशन दे दिया जाता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द टेन्योर ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्मड इन द इलेक्शन ऑफ 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वाज 28 मंथ। ठीक है, चलिए इस एक्सप्लेनेशन को फटाफट देखते हैं क्या लिखा हुआ है चीजें। टेन्योर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्मड इन द इलेक्शन ऑफ 1937 वाज आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वाज 28 मंथ। कांग्रेस मिनिस्ट्री रेजिग्नेशन देती है फ्रॉम लेजिस्लेचर ऑन 22nd ऑफ अक्टूबर 1939 बिकॉज इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडियन लीडर्स, तो वही लिखा हुआ कि भारतीय नेताओं की कंसेंट के बिना ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियंस को आप कह सकते हैं युद्ध में घसीट लिया था। जिन्ना कॉल द ऑल इंडियन मुस्लिम सेलिब्रेट, अब देखिए जिस दिन जो है 22 अक्टूबर 1939 को जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के द्वारा रेजिग्नेशन दिया जाता है, उसके बाद जो 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना जो है ऑल इंडियन मुस्लिम्स को कहते हैं कि आज जो है मुक्ति दिवस के रूप में यानी कि डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाएंगे क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रेजिग्नेशन दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंस इन 1937 कांग्रेस रूल लास्टेड फॉर, तो अभी हम लोगों ने देखा जब जो भी मिनिस्ट्रीज फॉर्म की गई थी कांग्रेस के द्वारा 1937 में वो जो है 28 महीनों तक बच्चों टिकी थी, 28 मंथ तक यहां पे टिकी हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग के द्वारा कब डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस ध्यान रखिएगा मुक्ति दिवस की हम बात कर रहे हैं, 22nd of December 1939 को जो है 22nd of December 1939 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा और इंडियन मुस्लिम से आग्रह किया जाता है कि इस दिन जो है डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएंगे क्योंकि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस मिनिस्ट्री से जो है रेजिग्नेशन दे दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन दे दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। इन विच वर्किंग कमिटी डिड द कांग्रेस अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग लैंड ओनरशिप,
तो वर्किंग कमिटी 1937 की हम बात कर रहे हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। कांग्रेस वर्किंग कमिटी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग लैंड ओनरशिप। तो देखिए क्या लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमिटी के द्वारा जो है जो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग लैंड ओनरशिप 1937, टेनेंसी एक्ट वॉज पास बाय द गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस इंडिया। तो ध्यान रखिएगा कुछ चीजों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सभी एग्जाम के लिए बीपीएससी के लिए ही बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। Who of the following was entrusted with the finance portfolio in the ministry formed in UP after the election of 1937? देखिए इलेक्शन 1937 के बाद यूपी में जो मिनिस्ट्री फॉर्म होती है, सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत की हम बात करते हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत जी को जो चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर कैलाशनाथ कटजू जी की बात करें, तो कैलाशनाथ कटजू जी को जो है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट बच्चों रफी अहमद किदवई के अंडर में था, रफी अहमद किदवई के अंडर में फाइनेंस मिनिस्ट्री था। फिर इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं। कांग्रेस वन 134 सीट्स ऑफ द 228 सीट्स यूनाइटेड प्रोविंस प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1937। कांग्रेस मेड गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस, चीफ मिनिस्टर वॉज गोविंद वल्लभ पंत एंड कैलाशनाथ कटजू वॉज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, वाइल द फाइनेंस डिपार्टमेंट वॉज गिवन टू रफी अहमद किदवई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उसके बाद थोड़ा सा हम त्रिपुरी क्राइसिस के बारे में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स कनेक्टेड विद द मुस्लिम ग्रीवांसेस इन द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंसेस। सो देखिए हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पूछा पढ़ा था। देखिए यहाँ मैंने आप लोग को तभी बोला था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के देगा, कि आप बताइए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी रिपोर्ट जो है पहले आई थी। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आती है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद शरीफ रिपोर्ट आती है 1939 में। उसके बाद बच्चों ये जो लिखा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। उसके बाद बच्चों फजलुल हक रिपोर्ट आती है दिसंबर 1939 में, यानी कि 1, 2, 3 जो है ये सही है हमारा। चलिए क्वेश्चन उसके बाद हम त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ द कांग्रेस 1939 के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ी सी बातों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट जो रिमेनिंग पॉइंट्स हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। नया टॉपिक हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। अगेन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठेगा, सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोट डाउन करते चले। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है आप लोग जरूर जो है अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, सो दैट बाकी बच्चे भी जो इस वीडियो को देख करके कुछ चीजों को सीख सके, ताकि वो भी जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। एंड जितने भी प्रीवियस रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों को दिए गए हैं, उन सभी सेशंस को जो है बच्चों आप लोग ध्यान से सुनेगा। अगर कहीं भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, बिकॉज कमेंट बॉक्स पे जो है कमेंट बॉक्स को जो कंटिन्यूअसली टीम के द्वारा देखा जाता है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर वहां पे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। चलिए हम आते हैं त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ द कांग्रेस 1939 पे। सुभाष चंद्र बोस जी की हम बात करते हैं, लेकिन ध्यान देखिएगा 1938 और 1939 की जो दो ईयर रहते हैं यहाँ पे लगातार जो सुभाष चंद्र बोस जी को जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाता है। जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी को दोबारा कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया था, यहीं पे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में जो है हरिपुरा में जो है अनअपोज्ड ये इलेक्ट होते हैं, बिकेम द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर बीइंग इलेक्टेड अनअपोज्ड हरिपुर गुजरात सेशन ऑफ द कांग्रेस ईयर 1938। हरिपुरा सेशन ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पूछता है कि हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में है, त्रिपुरी कहाँ है, एमपी के जबलपुर में है। ध्यान रखिएगा त्रिपुरी जो है बच्चों एमपी में है और हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में है। 1939 की 1938 में हम लोगों ने देख लिया सुभाष चंद्र बोस जी को जो है अनअपोज सिलेक्ट किया जाता है। 1939 की हम बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड गांधी कालीड पट्टामी सीतारमैया एंड बिकेम प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम एट द त्रिपुरी एमपी सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो यही जो है कांग्रेस के 1939 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है त्रिपुरी एमपी में, वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी को दोबारा इलेक्ट किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के द्वारा चुने गए मेंबर, चुने गए कैंडिडेट पट्टामी सीतारमैया को हरा करके जीतते हैं एंड बिकेम प्रेजेंट फॉर द सेकेंड टाइम एट द त्रिपुरी एमपी सेशन ऑफ द कांग्रेस। बट ये इनको जो है क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाता है गांधी जी के साथ, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी को मजबूरन आप कह सकते हैं रेजिग्नेशन देना पड़ता है।
और जब सुभाष चंद्र बोस इस इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से रेजिग्नेशन देते हैं, उसके बाद जो है इनकी इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है आफ्टर रेजिग्नेशन, आफ्टर व्हेन ही गिव रेजिग्नेशन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप। बट ही रिजाइन ड्यू टू द डिफरेंस ड्यू टू हिज डिफरेंसेस विद गांधी जी ऑन मैटर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग कमिटी ऑफ कांग्रेस। आफ्टर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, और त्रिपुरी क्राइसिस 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरी क्राइसिस के बाद जो है जब सुभाष चंद्र बोस जी आप कह सकते हैं त्रिपुरी क्राइसिस में जब रेजिग्नेशन दे देती हैं, तब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। बस इतने ही पॉइंट्स का हम डिस्कस करेंगे। दो तीन एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 1938 में भी 1939 में भी दोनों टाइम सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट बनते हैं। 1939 में जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद गांधी जी की वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस जी रेजिग्नेशन दे देते हैं प्रेसिडेंटशिप से, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन हरिपुरा सेशन कांग्रेस गुजरात फरवरी 1988। ध्यान रखिएगा हरिपुरा सेशन गुजरात में। अन अपोज इट इज वेल नोन एज सुभाष चंद्र बोस वॉज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी सेशन 1939 ऑफ आईएनसी बाय डिफीटिंग द री इलेक्टेड पट्टाभि सीतारमैया हु वॉज सपोर्टेड बाय गांधी जी। ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, हमारा कुछ पॉइंट्स जो रह गए इस टॉपिक से जुड़े हुए और क्वेश्चंस जो रह गए उनको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम्स, एंड इन सेशंस को जरूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।